और अब आपको एक बड़ी खबर बताते हैं। शिमला में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने हिमाचल आप की नई टीम का ऐलान कर दिया है। सुरजीत सिंह ठाकुर को बनाया गया है आप का प्रदेश अध्यक्ष। सुरजीत सिंह काफी समय से आपके साथ जुड़े हैं और अभी वर्तमान में वो प्रदेश प्रवक्ता थे। सुरजीत सिंह जिला सिरमौर के रहने वाले हैं, साथ ही कहा कि आम आदमी पार्टी नया अध्याय जोड़ने जा रही है। तो बड़ी जानकारी आपको दे दें, सुरजीत सिंह ठाकुर को नया प्रदेश अध्यक्ष आम आदमी पार्टी की ओर से चुना गया है। शिमला में मनीष सिसोदिया ने नई टीम बना दी है, इसका ऐलान कर दिया। सुरजीत सिंह ठाकुर को बनाया गया है आपका प्रदेश अध्यक्ष। और जहां जहां भी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जा रहे हैं, गांव में जा रहे हैं, कस्बों में जा रहे हैं, हर जगह से एक बात समझ में आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी से हिमाचल के लोग दुखी हैं। एक ऐसी सरकार जो पिछले पांच साल से एक निकम्मी सरकार के रूप में अपनी पहचान बना चुकी है, कोई काम नहीं करने वाली सरकार, ना शिक्षा पे, ना स्वास्थ्य पे, ना रोजगार पे, ना पर्यटन पे, कोई काम नहीं करने वाली सरकार के रूप में अपनी पहचान बना चुकी है। ये बात गांव-गांव से निकल के आ रही है। लोग बदलाव चाहते हैं, लोग चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को हटाएं, लेकिन लोग कांग्रेस के साथ नहीं जाना चाहते। लोगों को कांग्रेस से भी उम्मीद नहीं है कि कांग्रेस को भी हमने बड़ी मुश्किल से हटाया था, बीजेपी वाले भी ऐसे ही निकले। तो जब आम आदमी पार्टी गांव में पहुंच रही है, आम आदमी पार्टी जब बदलाव का संकेत लेकर, संदेश लेकर पहुंच रही है, तो लोग बहुत तहे दिल से स्वागत कर रहे हैं और एक उम्मीद के रूप में देख रहे हैं। जो नया संगठन, नई टीम आज से अरविंद केजरीवाल जी की यहाँ पे गठित हो रही है, इसकी अगुवाई हमारे साथी, पुराने साथी कार्यकर्ता सुरजीत सिंह ठाकुर जी करेंगे, जो मेरे साथ इस प्रेस वार्ता में बैठे हुए हैं। सुरजीत सिंह ठाकुर जी आप सब लोग जानते हैं, आम आदमी पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता हैं। तो सुना आपने किस तरह से यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए अपने नए प्रदेश अध्यक्ष यानी कि हिमाचल प्रदेश के नए अध्यक्ष जो हैं सुरजीत सिंह को घोषित कर दिया गया है। यहाँ पर कांग्रेस पर निशाना साधा, यहाँ पर बीजेपी पर निशाना साधते हुए आए, किस तरह से कहा कि निकम्मी सरकार है। और ज्यादा जानकारी हम लेंगे। समीक्षा राणा हमारे साथ जुड़ चुकी है, जी मीडिया संवाददाता सीधा हमारे साथ जुड़ी है शिमला से। समीक्षा, और क्या जानकारी, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस बाकायदा यहाँ पर होती है, बताया जाता है कि हमारे प्रदेश की आम आदमी पार्टी की ओर से कौन से अध्यक्ष होंगे, क्या और खास रहा? बिल्कुल नैन्सी, देखिए जिस तरह से कुछ बीते कुछ दिन पहले भंग जो है वो इन्होंने कार्यकारिणी अपनी की थी, जो अध्यक्ष आम आदमी पार्टी की ओर से बनाए गए थे वो भाजपा में शामिल हो गए थे, जिसके बाद आज दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने यहाँ प्रेस वार्ता कर जो नई कार्यकारिणी है उसकी घोषणा जो है वो कर दी है। जो सुरजीत सिंह ठाकुर हैं, सिरमौर के रहने वाले हैं, उन्हें अध्यक्ष जो है वो आम आदमी पार्टी का बनाया गया है। और उसी के साथ में अगर बात करें तो 8 जो उपाध्यक्ष हैं वो भी बनाए गए हैं। आज एक लंबी चौड़ी लिस्ट जो है वो आम आदमी पार्टी की ओर से आई है, जो भी 250 के करीब जितने भी, चाहे वो जिला सेक्रेटरीज हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार के डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज हैं, वो सभी की कार्यकारिणी की लिस्ट जो है वो जारी कर दी गई है। और मनीष सिसोदिया की ओर से ये भी जानकारी दी गई है कि जो ग्राम संपर्क अभियान शुरू किया गया था आम आदमी पार्टी की ओर से, उसमें जो है वो एक बड़ी, उन्होंने एक तरह से कह सकते हैं कि जीत हासिल की है कि 3600 के करीब जो है वो पंचायतों का दौरा कर चुके हैं। सभी जितने भी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं अलग अलग जगह पे जा रहे हैं, संपर्क में लगातार लोग उनके हैं। और वहीं ये भी कहा गया है कि 18000 के करीब जो है वो जितने भी गांव हैं वहां पर भी कार्यकारिणी आम आदमी पार्टी की ओर से जो है वो बनाई जाएगी। तो कहीं ना कहीं जो एक कार्यकारिणी भंग की गई थी आज दोबारा से बनाई गई है। लेकिन वहीं आम आदमी पार्टी की अगर देखें तो जिस तरह पहले केजरीवाल लगातार 2 बार यहां पर रैली कर चुके हैं, एक अच्छी खासी पैठ उन्होंने हिमाचल प्रदेश में बना ली थी, लेकिन उसके बाद कई दिनों से ये देखा जा रहा है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस तक ही आम आदमी पार्टी सीमित रह गई है। और आज भी दिल्ली के जो उप मुख्यमंत्री है वो हिमाचल प्रदेश आए, शिमला आए, सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कार्यकारिणी की घोषणा करके जो है वो चले गए हैं। तो और किसी भी तरह का कहीं कभी उनका दौरा नहीं था, सिर्फ यहीं पर आकर जो है वो चले गए हैं। तो अब आने वाले समय में देखना होगा कि किस तरह की आगे की रणनीति जो है वो आम आदमी पार्टी की रहती है। समीक्षा, जो ये हलचल बढ़ती जा रही है आम आदमी पार्टी की ओर से, क्या इसको समझा जाए चुनाव के लिए तैयार है ये पूरी तरह से, या सिर्फ अभी सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस पर ही सीमित हो गए हैं?
देखिए कहीं ना कहीं ये भी देखा जा रहा है कि चुनावी वर्ष है, तो मुख्य तौर पर कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी जैसे पंजाब में एक बड़ी जीत हासिल की है, उसके बाद अगला टारगेट जो है आम आदमी पार्टी का वो हिमाचल प्रदेश है। लगातार कोशिशें जो है वो की जा रही है, अरविंद केजरीवाल दो बार यहाँ रैली कर चुके हैं, तो अब ये देखा जा रहा है कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं में हमेशा ही आम आदमी पार्टी के नाराजगी जो है वो रहती है। पहले भी जब मनीष सिसोदिया शिमला आए थे उस वक्त भी उन्होंने कार्यकर्ताओं से संवाद नहीं किया था, तो कार्यकर्ता जो है वो कहीं ना कहीं रूठे हुए थे कि हमें मिलने नहीं दिया जा रहा है, तो वहीं कहीं ना कहीं आज भी ये चीज देखने को मिली है कि कार्यकर्ताओं के साथ जो एक संवाद है वो नहीं किया गया है, तो कार्यकर्ताओं में कहीं ना कहीं एक अंदर से देखने को मिल रही है कि कार्यकर्ता भी रूठे हुए हैं। कई कार्यकर्ता ऐसे हैं जिन्हें बड़ी चुनौती नहीं दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर अपने आप को बता रहे हैं कि हम तैयार हैं, बीजेपी पर सवाल खड़े कर रहे हैं, कांग्रेस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। देखना होगा कि कैसे आगे काम किया जाता है आप पार्टी की ओर से। शुक्रिया आपका समीक्षा तमाम जानकारी देने के लिए।